पुलवामा अटैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारी जो अटैक हुआ था उसके बाद में वापस से हमने स्ट्राइक बैक किया है, लेकिन फिर से वो अटैक हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुलवामा अटैक हो, देखिए दोनों तरफ की जान है, इंसान इंसान बराबर है, तो मेरे हिसाब से हैशटैग नो वॉर वॉर नहीं होना चाहिए। और एक टेबल पे बैठकर भी बातचीत सुलझा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अटैक करें और ये सब। लेकिन हाँ, उन्होंने भी गलत किया तो उसका जो जवाब दिए वो भी सही। ओके अर्शी, आपका पाकिस्तान के साथ में थोड़ा बहुत कनेक्शन रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने की बात कह रहे हैं, उससे कितनी सहमति रखती हैं आप? यार देखो, इंडिया में आर्टिस्ट की कमी तो नहीं है। अब पाकिस्तान वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें तो बेहतर है, हमारे इधर तो वैसे ही इतने बेचारे मुंबई के अंदर इतने स्ट्रगलर घूमते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको काम दें तो बेहतर है। पाकिस्तान इंडस्ट्री वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें, वहाँ पर अपने जलवे बिखेरें, यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, सो प्लीज़ वहीं पर रहो, वहीं पर काम करो। बट हाँ, एज अ सिंगर जो आतिफ असलम है, जो अदनान सामी है, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, तो वो अलग ही लेवल पे, वो लेजेंड हैं, तो उनको काम करना और पब्लिक, इंडिया की पब्लिक भी उन्हें पसंद करती है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए बैन लगना तो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत लॉस है, क्योंकि हमें इतनी अच्छी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी।